अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं गुलबहार ब्लॉग। तो आज मैं पंखा लेने आया हूँ फैसलाबाद के गुहाना बाज़ार में। तो यहाँ पे बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, तो मैंने वैराइटी सेलेक्ट की अपने लिए। वो मैंने कहा दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूँ कि क्या वैराइटी है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। आएँ आपको दिखाता हूँ, आएँ दुकान के अंदर चलते हैं भाईजान के पास। तो भाईजान से पूछते हैं भाई कौन कौन से पंखे पड़े हुए हैं इनके पास और क्या क्या टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है। आए यहाँ पे सारा कुछ पड़ा होगा। ये चीज़ जो यहाँ पे मिलेगी ना, वो 1990 में बहुत फेमस थी और बड़ा नाम था उसका एक टाइम पे, तैमूर फैन। वो आस्ता आस्ता इसका काम ठप हो गया था, यानी कि मार्केट से आउट हो गई थी, अब दोबारा इन हुई है। तो इनके पंखे माशा लगे हुए हैं हमारे पास सन 90 के और आज भी बेहतरीन चल रहे हैं। तो ट्रस इनके ऊपर बना हुआ है, तो यही चीज़ दोबारा लेने के लिए मैं आऊँ। लेकिन टेक्नोलॉजी इस दोबारा बड़ी चेंज है, तो वो भाई से डिस्कस करते हैं भाई कौन सी टेक्नोलॉजी है। आए मिलते हैं। ये हम आए हैं शहरयार भाई के पास, तो इनसे पूछते हैं कि भाईजान आजकल कौन सी टेक्नोलॉजी इन है और क्या है क्या नहीं, वो सारा गाइड हमें ये करेंगे। जी शहर भाई कैसे हैं आप? ठीक है, हरियत से? आप सुनाए? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शहर भाई आजकल जो पंखे चल रहे हैं इनमें कौन सी टेक्नोलॉजी आजकल लेटेस्ट आई हुई है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई हुई है हमारे पास 30 वाट में माशाल्लाह तैमूर फैन की है। ये कह लें कि तैमूर फैन सबसे पहले इन्वर्टर पंखा बनाने वाला अदारा है। जी जी, तो एसीडीसी वाला भी ये सबसे पहला अदारा है, एसीडीसी पंखा बनाने वाला भी। सही, पहले इसमें ये बीएलडीसी आती थी, अब इसमें पीएमएस मोटर आती है, जो आपके पाकिस्तान में वाहिद यही अदारा जो बनाता है। जबरदस्त, इसके अलावा नहीं ये बनाता ना कोई भी। अच्छा मुझे ये बताएं एसीडीसी और इन्वर्टर पंखे में फर्क क्या है दोनों में, कितने वाट लेते हैं? जो हमारा तैमूर फैन का वो लेता है 38 वाट डीसी पे, 50 वाट वो लेता है सोलर पे, और जो हमारा इन्वर्टर फैन है वो 30 वाट लेता है इन्वर्टर जो है ना फुल स्पीड पे, और वो 5 वाट पे चला जाता है एक स्पीड पे ना जाके। सही सही, 5 वाट से लेके 30 वाट तक जाता है। यानी कि ये टेक्नोलॉजी बेस्ट है? ये टेक्नोलॉजी बेस्ट है। अगर आपने घर में वापस आप यूज़ कर रहे हैं तो आपसे और चाहिए कि आप इन्वर्टर फैन ये तैमूर का 30 वाट का लगाएं। ज़बरदस्त, इसकी टेक्नोलॉजी में हमें दिखाया जो आपके पास पड़ी हुई है, जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है ना वो भी भाईजान हमको दिखा रहे हैं। जी शहजार भाई, ये पहले ना 12 स्लॉट में आती थी इसमें ना। अच्छा अच्छा, अच्छा। तैमूर फैन का जो इन्वर्टर था। जी जी, ये है एसीडीसी। हमारी एसीडीसी की और इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी अलग है। मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट में यही चीज है ना जो एसीडीसी वाली कोर है, हाँ जी, उसके ही आरपीएम कम करके उसके वोल्टेज कम करके वो इन्वर्टर फैन करके बेच रहे हैं, पर तैमूर फैन का ऐसा नहीं है। तैमूर फैन एसीडीसी अलग गया और इन्वर्टर फैन अलग गया, दोनों की प्लेट डिफरेंट है। प्लेट डिफरेंट है। अब ये देखें, ये कोर है इन्वर्टर की। वाह जबरदस्त जी, माशाल्लाह प्योर कॉपर में है, प्योर कॉपर वाइंडिंग में है, और ये इसकी होती है पीएमएस टेक्नोलॉजी में ये होता है। जबरदस्त, ये इसका मैग्नेट जिसके अंदर ये प्लेट घूमती है, उसका फायदा क्या है? इसका ये फायदा है एसीडीसी पे आपके आरपीएम नहीं कम हो गए। आप पंखा लेते हैं एसीडीसी जो पंखा किसी और ब्रांड का लेते हैं जी जी, वो डीसी पे जाके 30 से 40 आरपीएम कम कर देता है। सही, इसका एसीडीसी का एक ही आरपीएम रहेंगे, एसी पे भी डीसी पे भी हवा का एयर प्रेशर भी एक ही रहेगा। जबरदस्त जबरदस्त, और ये है कि इसका आपका 2-3 माह भी पंखा चलता रहता तो आपकी मोटर पे कोई असर नहीं होता। सही, जितना आपके रूम का टेम्परेचर होता उतना ही होता है। ये है इसकी एसीडीसी की दो है। ठीक हो गया, आप इन्वर्टर फैन मार्केट में लेंगे तो आपको इस कोर में मिलेगा। सही, एसीडीसी की ये कोर है। अच्छा, जो तैमूर फैन की, तैमूर फैन की, और फाइन क्वालिटी है इनकी और बेस्ट नाम है इनका, स्लॉट में होती है। और इसमें जो मॉडल है वो मॉडल मुझे दिखाए ना, कौन कौन से मॉडल में लगे हुए हैं ये मॉडल जरा? ये मॉडल सारे 3 प्लेट में लगे हुए हैं। अच्छा, इसमें आपको ये मिल जाएगा, ये फैंसी में आ जाता है, जरा मेटल में आ जाता है। सही सही, 5 प्लेट मिल जाएगा उसमें, ये लगा हुआ है, ब्लैक भी मिल जाएगा। वाह जी वाह, इसमें आपको कलर क्रीम भी मिल जाएगा। सही, ये वो ज्यादा फैंसी में आ जाते हैं, ये आपको मिल जाएंगे कलर, इसमें डार्क वुड मिल जाएगा, लाइट मिल जाएगा, फुल ब्लैक मिल जाएगा आपको। सही हो गया, बाकी ये यहाँ पे सारे पड़े हुए हैं, इसमें एसीडीसी भी हैं, इन्वर्टर भी हैं और सादा फैन भी है, तीनों टेक्नोलॉजी हैं। लेकिन आजकल जो ज़्यादा चल रही है वो चल रही है इन्वर्टर, क्योंकि वो बिजली कम लेता है और हवा ज़्यादा देता है। चलें जी, ये था भाई ने सारा कुछ बता दिया है। अब जो मैंने अपने लिए इन्वर्टर लिया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने अपने लिए इन्वर्टर कौन सा लिया है। ये सर मैंने अपने लिए इन्वर्टर लिया है,
तैमूर फैन का, ठीक है, 56 इंच का ये पंखा है जिसमें जी इसको कहते हैं इको स्मार्ट कहते हैं वाले जी। और जो कलर है जो मुझे पसंद आया है, मैंने अपने लिए देखा है, 1, 2, 3, 4 थे कलर, उनमें मैंने अपने लिए ये पसंद किया है। मुझे चीज़ अच्छी लगी है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, तो मैंने कहा यार मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ कि तैमूर फैन माशाल्लाह अच्छी चीज़ बना रहा है, एक अच्छी चीज़ मिल रही है, अवेयरनेस आ रही है, तो बाकी भाइयों को भी बताऊँ इसके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह जी पंखा माशाल्लाह लगा दिया है और ज़बरदस्त, इसमें कुछ फंक्शन बड़े प्यारे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, खूबसूरत लगा ये। एक तो ये रिमोट के साथ ऑन ऑफ होता है पेयर हो के, इसमें 6 स्पीड है, ठीक हो गया, इसमें अपने मर्जी से आप टाइमर लगा सकते हैं 1 घंटे 2 घंटे 8 घंटे तक का, एक तो ये एडवांटेज है। और एक और चीज़ आपको बता दूँ, इस पंखे की जो स्पेशलिटी है ये देखें, 4 वाट स्पीड के ऊपर 150 RPM पे 4 वाट लेगा, यानी कि यहाँ से स्पीड जब करेंगे आप 1 पे करेंगे तो, उसके बाद 2 पे करते हैं तो 8 वाट लेगा, फिर 14 वाट लेगा, फिर 22 वाट और एंड पे 30 वाट लेगा ये, तो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है ये और स्पीड इसकी माशाल्लाह बहुत कमाल है। भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।